तो आज हम देखने वाले हैं क्या एमएसके एमआरआई में कितने सीक्वेंस हम यूज करते हैं। टोटल स्टडी करेंगे एमएसके के ऊपर और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो अभी लिख लेते हैं क्या हम एमएसके में, यानी कि आप कितनी स्टडी करोगे और कौन कौन से सीक्वेंस कहीं पे भी हर किसी मशीन में कितने सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे, इनके सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? चलो इसमें लिख लो सीक्वेंस। सबसे पहले लिखो आप क्या P1 PS, ये सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा एमएसके में। नंबर 2 PD, ये मिलेगा। नंबर 3 PDFS, ये सीक्वेंस मिलेगा। 4 आ जाओ किसमें, स्टर, या इसको क्या बोल सकते हो आप, रेप्टर, ये सीक्वेंस मिलेगा। क्लियर? 5 नंबर पर आ जाओ क्या T2 PSC, ये सीक्वेंस भी आपको देखने को मिलेगा एमएसके के किसी भी, कोई भी जवाब एमआरआई करोगे ये सीक्वेंस होंगे रूटीन वाले T1 PD PDFS STIR एंड T2। नंबर 6 आपने हो गया मेडिक सीक्वेंस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? नंबर 7 क्या बोलो, डैश, डैश सीक्वेंस भी होता है एमएसके में, डैश भी यूज करते हैं हम। ठीक है? उसके बाद 7 नंबर पे क्या आएगा, T2 स्टार। ठीक है? और बताओ सीमैक। देखो अब एक क्या आता है, वार, क्या आता है वार, और क्या सीमैक। तो सीमैक कोई सीक्वेंस है या नहीं पहले बताओ, ये दोनों सीक्वेंस है क्या है, ये सीक्वेंस नहीं है, ये क्या है, ये टेक्निक है जो आप पीडी और पीडीएफएस या स्टर में यूज करोगे। ठीक है? नंबर 9 अब क्या बचा, एक स्टडी क्या होती है, चलो अभी हम स्टडी नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, T2 क्या स्पेस। या T2 TSC 3D, ये सीक्वेंस आपको मिलेगा एमएसके में। क्लियर? और कौन सा सीक्वेंस मिलेगा बताओ, डिफ्यूजर। कहीं भी आप एमआरआई कर रहे हो, ये बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ है, कुछ सोचना नहीं है आपको कि एमएसके में और भी कुछ होता होगा, मैं लिख रहा हूँ अभी। किसी भी MR3D करो, 1.5 फैसला करो, यही फोल्डर मिलेंगे आपको। ठीक है? उसके बाद क्या आएगा बताओ, टॉप, कौन सा टॉप, थ्री डी टॉप। क्लियर? उसे क्या मिलेगा, 12 नंबर बताओ, टॉप कौन सा, टू डी। क्लियर? अब लास्ट में क्या बचा, चलो यहाँ लिख देते हैं, उसी में क्या बचा बताओ, अब क्या बचा T1, क्या T1 फ्लैश। ये हैं टोटल सीक्वेंस कितने आ रहे हैं, 30। इन सीक्वेंस से आप एमएसके की कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, A to Z सब कुछ होगा इनसे। अब जैसे इनका तो मोस्टली आपको मालूम है T1 PD PDFS STIR एंड T2, यहां से आगे जो बड़े स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं ये देख लेते हैं हम इसे। चलो ठीक है, चलो लिख लिया ना, ये रहा पूरा क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका। ठीक है? ये लिखा होगा, आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछे जाएंगे कि आप एमएसके में क्या क्या स्टडी कर लेते हो, कौन कौन से स्टडी करते हो। तो जैसे आपसे बोला कि तैयारी करो, जैसे कोई पेशेंट आप नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं, और आपके डॉक्टर ने बोला कि आप जीआरई भी करो इसमें,
तो कौन से क्वेश्चन चलाओगे? ब्रेन वाले स्टब वाई नहीं चलेगा इसमें, क्या चलेगा इसमें? मेडिक, T2 मेडिक, यानी कि MSK का ये क्या होता है? GR. आप किसी भी ओरिएंटेशन में इसको चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्कैन, आप कौन सा स्कैन कर रहे हो आप ये इस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है? चलो, उसके बाद बोला गया क्या देखना है? कार्टिलेज देखना है। तो कार्टिलेज देखने के लिए क्या क्या चलाओगे? डैश सीक्वेंस होता है किसके लिए चलता है? कार्टिलेज के लिए। अब एक मिनट रुकना, ये क्या टी टू स्टार किस लिए चलता है? कार्टिलेज तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैपिंग का। मैपिंग करनी आती है? मैपिंग करनी नहीं आती? तो मैपिंग में क्या करते हैं, जैसे ये नी बना लिया, क्या ये जैसे नी हो गया, ठीक है? तो अब इसमें जैसे कार्टिलेज, कार्टिलेज तो इसमें डैश में दिख रहा है, लेकिन मैपिंग में क्या आएगा? जो कार्टिलेज पे हम आर वाई लगा लगा के इसकी क्या मीन चेक कर सकते हैं, कितना डैमेज है, कितना क्या है। इसमें आपको ग्राफ मिलेगा, क्या कलर्ड ग्राफ आता है, तो टी टू स्टार में कार्टिलेज के साथ क्या मिलेगा आपको? कलर मैपिंग। ये डिफरेंस होता है दोनों में, इसमें ओनली सिंपल कार्टिलेज दिखाई देगा और टी टू स्टार के साथ आपको कलर्ड आप कार्टिलेज को देख सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट, समझ आ रहा है? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है, जैसे किसी पेशेंट को क्या लगा? मेटल इम्प्लांट लगा है, क्या? मेटल इम्प्लांट लगा, क्या करोगे आप? वाप सीमेक, सीमेक क्या वार, ठीक है? जैसे पीडीएफएस, आप पीडीएफएस सिंपल कर रहे हो या एक्स्ट्रा कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो आप किस टेक्निक के साथ चलाओगे उसका? पीडीएफएस क्या सीमेक, इसका टाइमिंग कितना आएगा? मिनिमम 15 मिनट, डरना नहीं है आपको, घबराना नहीं है, 15 मिनट का सीक्वेंस हो रहा है, टेक्निक है, ठीक है? मिनिमम है 15 मिनट, मैक्सिमम आप 30 मिनट तक का सीक्वेंस हो सकता है सीमेक, एक, ठीक है? तो सीमेक चलाते हैं किसके लिए? मेटल रिडक्शन, मेटल के आर्टिफैक्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है? सीमेक हो गया, और क्या बचा? ये किस इन्वेस्टिगेशन में चलता है? मार्कर इंटरेस्ट। जब भी आपको एमएसके में क्या देखना है? नर्व। जब भी एमएसके में आपको नर्व देखनी है, नर्व की पैथोलॉजी देखना है, तो उसके लिए स्टडी में आधे अलग से क्या पढ़ाया ना आपको? एमआर न्यूरोग्राफी। तो आप ये चलाओगे न्यूरोग्राफी, न्यूरोग्राफी। जब भी आपको नर्व की स्टडी करनी होगी, टी टू टी एस थ्री डी किसी भी ओरिएंटेशन में आपको चलाना होगा, तीन ओरिएंटेशन में भी डॉक्टर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, तीनों में चलाना होगा। उसके साथ साथ आपको क्या चलाना होगा? डिफ्यूजन। एमएसके में तो होता है न्यूरोग्राफी, स्पाइन एंड एमएसके न्यूरोग्राफी, तो आप दोनों सीक्वेंस चलाओगे टी टू टी एस थ्री डी एंड डिफ्यूजन। अब क्या बचा, क्या बचा बोलो? टीप का क्या बचा बता रहा है इसमें? ना ना, मैं ये देख रहा हूँ, ये रहेगा। अब बताओ उनको, बोलो क्या लिखा है वो? एंजियोग्राफी है, आर्थोग्राफी है। आर्थोग्राफी क्या होती है? जब तक आपको आर्थोग्राफी का मतलब ही नहीं पता, तो एमआरआई कैसे करोगे? आर्थोग्राफी मतलब क्या होता है बताओ? जॉइंट कैप्सूल में कंट्रास्ट दे करके करते हैं। ये क्या जैसे जॉइंट है, ठीक है? तो जॉइंट कैप्सूल में क्या देते हैं हम? कंट्रास्ट। कौन देता है कंट्रास्ट?
रेडियोलॉजिस्ट देंगे जो आपके बॉस हैं, रेडियोलॉजिस्ट है ना, वो आपको क्या देंगे, कॉन्ट्रास्ट देंगे जॉइंट में, आपको स्कैन करना होता है। हमें आपको काफी कुछ भी नहीं करना होता, पेशेंट को अच्छे से समझाना है, बताना है, और कॉन्ट्रास्ट देते हैं रेडियोलॉजिस्ट। कॉन्ट्रास्ट देने के बाद में आपको जस्ट नॉर्मल स्कैनिंग करनी होती है, ठीक है, T1 TSC सीक्वेंस के साथ भी और T1 TSC FS के साथ भी। तो जॉइंट कैप्सूल में कॉन्ट्रास्ट देना होता है आर्थोग्राफी के, किसी भी जॉइंट, मोस्टली शोल्डर या नी, मोस्टली नी का भी नहीं होता, शोल्डर के ज़्यादातर होते हैं आर्थोग्राफी, ठीक है। ये हो गया क्या आर्थोग्राफी, उसके बाद क्या बचा बताओ, एनजीओ का अलग से बना देते हैं। एमएसके में कोई भी चीज नहीं बचनी चाहिए, ठीक है, हम क्या आएंगे एमएसके एनजीओ, जिनसे बहुत डर लगता है, एमएसके एनजीओ। दो टाइप के होते हैं एमएसके एनजीओ, क्या, कॉन्ट्रास्ट और विदाउट कॉन्ट्रास्ट। विदाउट कॉन्ट्रास्ट हम क्या चलेगा, टॉप, कौन सा, रीडी, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हम क्या चलेगा, T1 प्लस 3D, मोस्टली ओरिएंटेशन फ्लैश की क्या रखोगे, सराइटल एंड कॉर्नर, और टॉप की ओरिएंटेशन क्या होगी, एंड किस लिए, ये पढ़ाया हुआ है हमने, ब्लड के परपेंडिकुलर चलता है टॉप, ये ब्लड ऐसे मूव कर रहा है ना, ये ऐसे, तो परपेंडिकुलर हम डालते हैं क्या, इसका बेस हमने इसका जो वीडियो है कॉन्सेप्ट के साथ बनाया हुआ है टॉप का, वो देख लेते हैं। तो प्लस का रखेंगे क्या, सजाइटल एंड कॉर्नर। और एंजियोग्राफी करने से पहले क्या करना होगा, एक प्लेन स्केल ये जरूर करना है, सेम ओरिएंटेशन, सेम स्लाइस थिकनेस, सेम FOV, ये पॉइंट याद रखना। जब आप एंजियोग्राफी कर रहे हो, जैसे आर्म का एंजियोग्राफी करना है, अपर लिम करना है, लोअर लेग करना है, तो सेम FOV, सेम स्लाइस थिकनेस, मतलब प्लेन सीक्वेंस पहले रन करना है, देन आप उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट देना है, IV कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कोई डाउट, सीक्वेंस पे लिखे ना, T1 प्लस 3D, हाँ ये पहले प्लान में चलाएंगे, प्लान आपने देख लिया ठीक से आ रहा, वॉल्यूम पूरा कवर हो गया, एनाटॉमिकल पार्ट पूरा कवर है, देन आप कॉन्ट्रास्ट दोगे और स्कैन को स्टार्ट करोगे। स्कैन कितने टाइम में स्टार्ट करना है, विद इन 9 सेकेंड। और एक बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए ना, बहुत डाउट होता है लोगों को MR MSK एंजियोग्राफी करने में, तो मैं वो बता रहा हूँ, दो चीज आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन रहता है लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टडी कम होती है, ये स्टडी कम होती है इसलिए कंफ्यूजन रहता है। कैनूला ग्रीन कलर का कैनूला रहेगा, वही 16 गेज का, ये कंफ्यूजन होता है। नॉर्मल स्पीड से कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं, वो आएगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो ग्रीन कलर का कैनूला लगेगा MR एंजियोग्राफी करने के लिए भी, और कॉन्ट्रास्ट आप दोगे 10 ml प्लस, और मैक्सिमम कितना, बस ओनली 15 ml तक दे सकते हो आप। KFT चेक कर लेना, फास्टिंग चेक करना है, KFT चेक करना है, बॉडी इंडेक्स पढ़ा है, बॉडी मास इंडेक्स, वो अच्छे से पढ़ना है। तो 10 ml प्लस आप कॉन्ट्रास्ट दो किसके लिए, एडल्ट के लिए, और कंसेंट आप साइन कराओगे, पेशेंट को बताओगे, इससे चीज़ें प्रिपरेशन में मैंने बता दी है। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप एंजियोग्राफी करोगे ना, तो डाउट में नहीं रहना है, ग्रीन कलर का कैनूला, 50 ml कॉन्ट्रास्ट, और स्पीड कितना, कितना स्पीड, 4.5 ml पर क्या, सेकंड, मिनट, जब कितना पास है आपके पास, तो 2 सेकंड में चले जाएगा।
10 ml तो कॉन्ट्रास्ट है, 4.5 ml की आपने स्पीड लगा दिया तो कितने में जाएगा? 2 सेकंड में आप तुरंत स्टार्ट कर दोगे? क्या करोगे? क्या करेगा? क्या करेगा भाई? भाई आपके पास स्कैन पहले स्टार्ट कर देगा बताओ, आपके पास 15 ml कॉन्ट्रास्ट है, फिर वो रख दिया 4.5 ml/s, तो मोस्टली 2.5 सेकंड में, तो 2.5 सेकंड में आपने दे दिया, एन जी आ जाएगा क्या? सर इस तरह से लेंगे कि मतलब 9 सेकंड के अंदर कॉन्ट्रास्ट दिला जाता है, इस तरह से लेंगे कि 9 सेकंड के अंदर अंदर ही कॉन्ट्रास्ट दिला जाता, अभी तो 9 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। इसलिए MR में मोस्टली हमें प्रेशर इंजेक्टर की नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके पास अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रास्ट बहुत कम होता है। आप 20 ml सिरिंज से 50 ml कॉन्ट्रास्ट 4 सेकंड 5 मैक्सिमम 6 सेकंड में आप स्पीडली आप पुश कर सकते हैं। आपको 50 या 60 या 70 ml कॉन्ट्रास्ट थोड़ी नहीं देना पड़ रहा है, तो आराम से कर सकते हो। आप एडिशनल अपने रिज्यूम में चीज एडिट कर सकते हो। क्या जरूरत है हमारे एंजियोग्राफी में प्रेशर इंजेक्ट? कोई जरूरत नहीं। किसके लिए? MSK एंजियोग्राफी करने के। कार्डिक वगैरह अच्छी स्टडी करोगे तो आपको प्रेशर इंजेक्टर भी चाहिए, जहां आपको फ्लो के साथ स्कैनिंग करनी होती वहां पर प्रेशर इंजेक्टर चाहिए। लेकिन MSK मसल स्केलेटन एंजियोग्राफी, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी करने के लिए आपको प्रेशर इंजेक्टर की नीड नहीं होती। आप आराम से इजीली बहुत अच्छी एंजियोग्राफी कर सकते हो। तो ये था, अब इसमें से हम इंटरव्यू लेंगे और देन इसको भी प्रैक्टिकली हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया? MSK। नेक्स्ट कल हम रखेंगे क्या? अपर एब्डोमेन, कि अपर एब्डोमेन में कितनी स्टडी हम कर सकते हैं, कितने सीक्वेंसेस यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर आप कर क्या सकते हो। ये तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।